हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग पहले ही अनाउंस कर चुके हैं विंटर वेकेशन के पहले ही कि हम लोग विंटर वेकेशन के बाद हम लोग स्पीच कॉम्पिटिशन करेंगे। टॉपिक है हैप्पी न्यू ईयर, आप सब जानते हो। तो यू आर रेडी ऑल? हाँ, याद है, याद है, याद है। हाँ सर, याद है, प्रैक्टिस भी की है ना भाई। तो चलिए आपसे शुरू करते हैं। मेरा रोल नंबर तो लास्ट में है ना, शुरू करिए। न्यू ईयर, ये साल का नया दिन होता है, इस दिन स्कूल की छुट्टी भी होती है। न्यू ईयर इसीलिए से कहते हैं न्यू ईयर। बहुत अच्छा चीज़ है, वेल डन, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट देवांश, आप भाई। मैं बोलता हूँ ना, पेपर कहाँ गया, कहीं गिर तो नहीं गया? शुरू करो। बोल रहा हूँ सर, न्यू ईयर जैसे ईयर ही है जो नया है और सब पुराना है। अपनी किस्मत तो वही पुरानी है, वही पुरानी है, कुछ नया नहीं है। वही दोस्तों की गाली, वही टीचर की मार, वही माँ बाप के ताने। और प्रिंसिपल अपने ईयर में कुछ खटाते नहीं, उल्टा फीस बढ़ा देते हैं। सिलेबस बोलते हैं पूरा बेटा पढ़ गया ना, फाइनल ईयर तुम्हारी पूरी ली जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं न्यू ईयर ठंडी में आती है, तो टीचर अपने मुंह पे ठंडी की छुट्टी के बहाने होमवर्क चिपका देते हैं, विंटर वेकेशन होमवर्क। फिर नए साल पे आईडी कार्ड तो ऐसे देंगे जैसे लगता है अपनी जिंदगी की पहचान ही बदल दियो। नया साल आने पे अपनी गंदी शक्ल और कुत्ते जो हम लोग को देख के भौंकते हैं वो नहीं बदल जाएंगे। ईयर सिर्फ कैलेंडर में नया है, अपनी किस्मत वही पुरानी है। स्पीच बोल रहा है कि भड़ास निकाल रहा है। हेलो का रिप्लाई ब्लॉक में बदल जाता है, और रिश्तेदार अपने ऐसे स्टेटस लगाएंगे जैसे लगता है वो 2022 में जो ना उखाड़ पाए वो 2023 पक्का उखाड़ने चले जाएंगे, और अगर 2023 में ना उखाड़ पाए तो 2024 में तो निश्चित उखाड़ के चले जाएंगे। और हम लोग हैं कैलेंडर में ही सिर्फ नया साल बदलता है, अपनी किस्मत वही पुरानी। देखिए वही किस्मत है, पिछले साल भी हम वही मार खाए थे, इस साल भी वही मार खा रहे हैं, अपनी किस्मत वही है। न्यू ईयर पे सिर्फ नया साल बदलता है, अपनी किस्मत वही है। ठंडी का असर हो गया क्या इसके दिमाग पे?